अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बंदनी में अब तक आपने देखा, अनामिका संतू और धर्मराज की शादी में आती है और सब उसे देखकर चौंकते हैं क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू सुभद्रा महियावंशी से मिलती है। अनामिका की वजह से पूरे घर में तनाव है कि आखिर ये औरत है कौन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे इसके पीछे कुछ लिखा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये बात अनामिका को कैसे पता चली? इस गिटार के पीछे कुछ लिखा था। बहुत मुश्किल से मालिक ने मुझे अपनी पत्नी का स्थान दिया था। छोकरी से संतो कहकर बुलाना शुरू किया था, पर लगता है कि मेरी नसीब में छोकरी सुनाई लिखा। अनामिका के आने के बाद बेचारी संतुड़ी के जीवन से शांति छिन गई है। वह खबर लगाना पड़ेगा कि अनामिका है कौन। अब आगे बोल कादम्बरी। सूझ है डैड, मुझे आपसे अनामिका जी के बारे में बात करनी है। मुझे लगता है उनका माँ के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। जो उस महिला का तेरी माँ से कोई संबंध नहीं, समझी गई? डैड अगर मैं ये कह रही हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा ना। वो जब से इस घर में आई है ना, हजार कारण सुन चुका हूँ, इससे उससे, मोटी बहन से ने आज सवेरे संतु से, पर मैंने उसको समझाया अने वो समझी। वो तो अनपढ़ है, पर तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो वे समझ। इस बारे में जितना सोचेगी ना उतना तेरा मन उलझता जाएगा, इतने ज्यादा सोच मत। आप इस बारे में क्यों नहीं सोचना चाहते डैड? मैं सोचने का क्या है, जिस बात में कोई अस्तित्व नहीं उसके बारे में क्या सोचने का। लेकिन डैड जिस बात का अस्तित्व हो सकता है उसके बारे में क्यों ना सोचे। जो अस्तित्व है ना तो तेरी माँ की यादों का बस। अने ये महिला सुभद्रा होती तो उसकी आहट से पहचान जाता, समझी तुम्हारी बात। अने सबसे बड़ा सच, मैंने संतू से लगन किया, वो तेरी माँ है, इस घर की मालकिन है, अने धर्मपुर की भी मालकिन है, समझी तू। डैड कहीं आप इसलिए तो इस सच से नहीं भाग रहे कि आपने संतू से शादी कर ली है? कहीं इसलिए माँ की आहट आपके कानों तक पहुँच नहीं पा रही? तुझे भान है, होश है कि तू क्या बोल रही है? डैड होश है इसलिए तो कह रही हूँ ना मैं, संतू मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत प्यारी है वो मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच से भागू कि शायद कहीं मेरी माँ वापस आ गई है। आप इस बात को मानना नहीं चाहते कि आपकी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि वो हमारी माँ भी है डैड। बहुत हो गया, अबे इस मामले की जड़ तक तुरंत पहुंचना होगा, इससे पहले कि मेरी संतान और मेरे बीच में दूरियां बढ़ जाए। ये क्या है तेरे हाथ पे तुरंत? भाई ये डीएम अंकल और संतू की शादी का एल्बम है। शादी में मैंने सूरत से फोटोग्राफर बुलवाया था, उसी ने भिजवाया है। सोचा था कि सब साथ में मिलकर देखेंगे ये फोटोग्राफ्स, लेकिन शादी के बाद इतना कुछ हो गया कि घर में किसी के पास वक्त ही नहीं है इन चीजों के लिए। सही बात कह रही, न जाने कब संतु के जीवन में खुशी आएगी। शादी को लेकर लड़की के मन में कितने अरमान होते हैं ना, और संतु के दिल में तो ये अरमान हमने जगाए थे। समझौते को हटाकर वो शादी करवानी चाहिए जो मन से हो। उसे दुल्हन बनाया, उसके हाथों में मेहंदी लगाई, आपने कितने प्यार से सजाया था उसका कमरा, लेकिन अब पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। तेरी बात तो सच है बेटा, लेकिन जब तक ये अनामिका अपने घर में रहेगी तब तक संतू और धर्मराज के बीच कोई संबंध नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक सोच कहा तूने वसुधा।
पर तोरल ने जो सवाल उठाया है वो भी तो बिल्कुल ठीक है। ये संतू के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मतलब? मतलब चल मेरे साथ। अरे बा आइए ना। चंपा के लिए जरे पानी लिया तुम? जी बा। मेरे लिए भी लेके आना। जी बैठो बैठो। कैसी हो? जी पहले से बहुत बेहतर हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपकी आभारी हूँ। हमने तो वही किया जो हमारा फर्ज था। अब बारी तुम्हारी है अपना फर्ज निभाने की। जी मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी शक्ल मेरी बेटी सुभद्रा से मिलती है, और जब सब लोगों को पता चला कि तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं, तो सबको ऐसा लगने लगा कि हो सकता है तुम सुभद्रा हो, पर यह बात सच नहीं है। सुभद्रा की मृत्यु हमारे सबके आंखों के सामने हुई है, और तुम्हारे अतीत के बारे में सबके दिल और दिमाग में सवाल बने हुए हैं। जिंदगी में कुछ सवालों के जवाब ना मिले तो जिंदगी रुक नहीं जाती, हमें आगे बढ़ना ही तो है। और अच्छा ही है कुछ सवाल जिंदगी के बिना जवाब के ही रहे। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो हमारे लिए हमारी संतु ही हमारी सुभद्रा है, और हमारे संतु की खुशी के बीच कोई भी आएगा तो मैं अच्छा नहीं लगेगा। हमें खुशी होती जो तुम्हारी खोई हुई याददाश्त तुम्हें वापस मिल जाती। तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें जाना होगा। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं ही लालची हो गई थी, सोच रही थी शायद यही मेरा घर है, मेरा बिछड़ा हुआ परिवार हो। अपने इस लालच में मुझसे ही शायद। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आश्रम वापस चली जाऊंगी, और आपकी संतू ही आपकी सुभद्रा रहेगी। सुखी रहो बेटा। सुखी रहो, माफ करना। ये है अनामिका का कमरा। धन्यवाद। एसके ज्वेलर्स राजकोट। हाँ हार तो सरस है, पर यह खोटी बात है ना कि तेरा पति दागीने बनाता है अने तू बाहर से लावी। हाँ क्योंकि आप कुंदन के गहने नहीं बनाते हो ना। तो हीरों के हार पहने पहने मैं थक, इसलिए मेघनौर मैंने राजकोट से ये कुंदन का हार खरीदा। अभी थोड़ी चमक कम हो गई है, इसलिए सोच रही हूँ जा रही हूँ तो एक बार फिर से चमका के ले आऊं। हाँ चल ठीक है। आखिरी बार जब सुभद्रा घर से निकली तो ये डब्बा अपने साथ लेके निकली थी, ये यहाँ कैसे? आप यहाँ? हाँ मैं, अनेक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे चाहिए। ये
ये दागिना का डब्बा तुम्हारे पास कैसे आया? कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसके हर एक सवाल का जवाब दूं, बल्कि जवाब आप दीजिए। मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कैसे आ गया? मेरे कमरे की तलाशी लेने का, मुझसे इस तरह के सवाल पूछने का हक किसने दिया आपको? धर्मपुर के मालिक धर्मराज महियावंशी को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। शोभा तो यह भी नहीं देता ना कि मेरे घर वाले परेशान हुए ना मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं। शोभा तो यह भी नहीं देता कि एक पति के सामने कोई महिला उसकी पत्नी का चेहरा लेके आ जाए तो उसे खबर भी ना पड़े कि वो कौन है। तुम हो कौन, कहां से आई हो, तुम्हारे अतीत की सच्चाई क्या है, ये सारे प्रश्न है ना। अबे इनका उत्तर तो चाहिए कि नहीं? ये दागीना का डब्बा मैंने आखिरी बार सुभद्रा के हाथों में देखा था, ये तुम्हारे पास कैसे आया? इन सब सवालों का जवाब आपके और आपके परिवार से ज्यादा मुझे जानने की जरूरत है। सबसे ज्यादा तो मैं जानना चाहती हूं कि मेरी पहचान क्या है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मुझे होश आया था तब ये हार और ये डब्बा मेरे हाथ में था, लेकिन आप लोगों से मिलकर मुझे अब पता चला है कि ये सब तो सुभद्रा की चीजें हैं। और किस्मत का खेल देखिए, कभी लगता है कि मैं ही सुभद्रा हूँ और कभी लगता है कि उसकी हम शक्ल हूँ जो उससे शायद कभी मिली हो। लेकिन अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तलाशी ले लीजिए मेरे कमरे की। ये लीजिए, ये कुछ थोड़ा सा सामान है मेरे पास, ये साड़ियां हैं और ये दागीने का डब्बा, देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी अपनी पत्नी का लगता है तो ले जाइए, और अगर मेरे बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे भी बता दीजिए प्लीज। सोच क्या रहे हैं आप, ले जाइए ये डब्बा, और भी अगर कुछ आपकी पत्नी का है तो वो भी ले जाइए, अच्छा ही होगा, पीछा तो छूटेगा, अपने साथ साथ किसी और के परिवार की परेशानी भी बन बैठी हूं। मैं यहां तुमको किसी प्रकार की असुविधा या दुख देने नहीं आया था, पर मेरे और मेरे घर वालों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका उत्तर ढूंढने आया था, ने उत्तर तो मैं ढूंढ के रहूंगा। अगर तुमने आपत्ति ना हो तो ये डब्बा में लेके जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कौन हूं? क्या है मेरी पहचान? क्यों किस्मत मुझे धर्मराज महियावंशी के घर ले गई? क्यों खेल खेल रही है किस्मत मेरे साथ? ये कैसे हो सकता है? आखिरी बार सुभद्रा गई तो ये बॉक्स उसके पास था। अनामिका के पास कैसे आ गया? डैड ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो नानका, इस औरत की अतीत में ऐसा जरूर कुछ ना कुछ घटा है जिसका संबंध सुभद्रा भाभी से है। उसे इस घर से वापस नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो इस घर में रहती तो उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आती और सच सबके सामने आ जाता। मुझे एक बात का पता नहीं चल रहा, वो दागिने का डब्बा मिलते ही तो उसे यहाँ क्यों नहीं लेके आया? मैं वहां उसको लेने नहीं गया था मोटी बहन, पर ये प्रयास करने गया था कि उसके अतीत के विषय में कुछ खबर मिले, उसके चित देखूं तो कोई कड़ी मिले। अने रही ये डब्बे की बात, तो हो सकता है ना कि दुर्घटना से पहले सुभद्रा ने उसको ये डब्बा दिया हो, या दुर्घटना के बाद सुभद्रा का सामान उसको मिला हुआ हो सकता है ना? ये कैसे संभव हो सकता है नानका? सुभद्रा भाभी हर बात जो किया करती थी वो सारी की सारी बातें इसे याद है? क्या वो सुभद्रा भाभी सारी यादें इसे देके गई जाने से पहले? 100 बात नहीं, 1 बात मोटी में, वो महिला मेरी सुभद्रा नहीं है। अने आज तू देखती ने उसको, जिस प्रकार उसने मुझसे बात किया तो तू भी मान लेती कि वो सुभद्रा नहीं है।
सुभद्रा होती तो कोई दिवस मुझे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। दुर्घटना में याद जा सकती है पर स्वभाव नहीं बदल सकता। समझी ने तुम्हारी बात। चलो भाई कारखाने जा रहा हूं। मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मैं उसके हर एक सवाल का जवाब दूं। मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कैसे आ गया? मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मुझे होश आया था तब ये हार और ये डब्बा मेरे हाथ में था। इस औरत की अतीत में ऐसा जरूर कुछ न कुछ घटा है जिसका संबंध सुभद्रा भवन से। यह कैसे संभव हो सकता है? सुभद्रा भाभी हर बार जो किया करती थी वो सारी की सारी बातें इसे याद है। क्या वो सुभद्रा भाभी सारी यादें इसे देखे गई जाने से पहले? जय श्री कृष्ण मोटा भाई। अरे मीना किंतु क्या रे आवे हो? तू तो एंटवर्प से कुछ महीने बाद आने वाला था ना, पछी अचानक कैसे? वहां का काम जल्दी निपट गया। वैसे भी वहां क्या करो, और अच्छा किया ना, यहाँ पे आपको मेरी जरूरत ज्यादा है। वैसे भी आज पहली बार आपके सादे हुए हाथों से हीरा चूकते देखा है मैंने। अरे शू करिए, क्षमा करना मोटा भाई, आपके विवाह प्रसंग में मैं नहीं आ सका। ये मेरी तरफ से आपकी और मालकिन के लिए एक छोटी सी भेंट। अरे शू अच्छा, धन्यवाद पिनाकिन, धन्यवाद। तू अच्छे मोटा भाई, आपका मन इतना विचलित क्यों है? अरे घटना ही ऐसी घटी है बिना की। ओ, मेरे लगन के समय एक महिला घर में आ गई। जार से वो घर में आ गई है ना, घर की शांति भंग हो गई है। ने सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी पत्नी संतू को हुई। चल सारू से तू आवी क्यों? अबे तू कारखाने में ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मोटा भाई, अब मैं आ गया हूँ, कारखाना मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मालकिन और आप इतने परेशान रहे हैं, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप लोग बाहर चले जाएं, अच्छा रहेगा। हाँ तेरी बात तो बरोबर छे, अने वैसे भी वो बोल रही थी कि लगन के बाद हनीमून पर जाना है। चल तू एक काम कर, पावागढ़ की टिकट करा ले। मोटा भाई पावागढ़? हाँ वे तेरी मालकिन को वहां जाना है तो लेके जाना पड़े ना भाई, बरोबर कि नहीं? जी अच्छा, मैं आज ही टिकट कटवा देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बा तेरी बहू कहाँ है? संतो जी बा। अरे मैंने नहीं बुलाया, धर्मराज जी। मालिक कुछ काम है? हाँ मैंने बुलाया, जा सामान बांध। आप कहीं जा रहे हैं? अरे मैं नहीं हूँ, ने तू साथ में घूमने पावागढ़। सच्ची तू उसे पावागढ़ ले जा रहा है? हाँ तो पची ने तू नहीं बोला था ने छोकरी को के मुझे आके पूछे हुआ चुके ने हनीमून पे जाने की बात, तो वे लेके जा रहा हूँ पावागढ़। तुझे जाना था ने, खुश के नहीं? ये तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया है धर्मराज। हाँ बापू जी, अबे जब से वो महिला घर में आई थी ने तब के दिवस बहुत खोटे कटे, ने विशेषकर संतुड़ी के मुंह लटका के घूम रही थी, तो मैंने सोचा जरा बाहर हवा पानी खिला के आऊं।